नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, अभिनव हिंदी कक्षा 4 में हमने गई वीडियो में देखा था कि सोनू को सीख मिली। अब इस वीडियो में देखेंगे इकाई 16 डाकिया। डाकिया यानी टपाली। यह चित्र दिया है। चित्र में एक डाकिया है। डाकिया घर घर जाकर अपनी डाक बांटता है। उसके कंधे पर एक पीले रंग का थैला है और उसने पीले रंग के कपड़े भी पहने हैं। तो इस डाकिये के बारे में अध्ययन करेंगे। यह किसका चित्र है? तो यह एक डाकिये का चित्र है। डाकिये यानी टपाली। डाकिये का नाम रामदयाल है। यह डाकघर में काम करता है, यानी डाकघर यानी के पोस्ट ऑफिस। इसके कंधे पर पीले रंग का थैला है। तो थैला यानी के थैलो। थैले में पत्र, पत्रिकाएं और पार्सल है। पत्रिकाएं यानी सामयिक या मैगजीन। यह घर घर जाकर डाक बांटता है। डाक यानी टपाल। लोग डाकिये की राह देखते है। टपालिनी डाकी यानी टपाली। डाकिया हम सबका मित्र है। वह समाज का सच्चा सेवक है। सेवक यानी कि नौकर। तो विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई में हमें डाकिये के बारे में बताया है। तो स्वाध्याय प्रश्न 1। निम्नलिखित हिंदी शब्दों के सामने गुजराती शब्द लिखिए। यहाँ पे हमें हिंदी शब्द दिए हैं, उसके आगे गुजराती शब्द लिखने के है। डाकिया यानी टपाली, थैला यानी थैलो, डाक यानी टपाल, कंधा यानी खबो, डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस, राह देखना यानी पाठ जोड़ी। हमें प्रश्न 2 आपेलो छे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1. डाकिये का नाम क्या है? तो डाकिये का नाम रामदयाल है। 2. डाकिया कहाँ काम करता है? तो डाकिया डाकघर में काम करता है। 3. डाकिये के थैले में क्या क्या है? तो डाकिये के थैले में पत्र, पत्रिकाएं और पार्सल है। 4. डाकिया क्या काम करता है? तो डाकिया घर घर जाकर डाक बांटता है। तो डाकिया सबसे अच्छा सच्चा समाज सेवक है और डाकिया घर घर जाकर डाक बांटता है और वह अपनी डाकघर में काम करता है। तो अस्तु। जय हिंद, जय भारत।